अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा दोस्तों, बहुत से लोगों का आपस में जो मुझसे भी क्यूरीज आती हैं वो ये पूछते हैं कि सर डोमेन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की डोमेन्स हैं, ठीक है, तो कौन सी डोमेन जो है वो हम लोग लें, .com की, .co की, .pk की, .us की, .net की, .info की, .xyz की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि .com की जो है ना वो डोमेन लें, लेकिन समटाइम क्या होता है कि वो डोमेन नहीं अवेलेबल होती। आप .net की भी ले सकते हैं, .co की भी ले सकते हैं, .com एक इंटरनेशनली जो है वो इस्तेमाल होती है, .co भी। तो जब किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर से हमें रिक्वायर्ड हो ट्रैफिक, या हम लोग चाह रहे हो उस कंट्री में हमारा कीवर्ड जो है वो रैंक हो, उस कंट्री में हमारी वेबसाइट रैंक हो, तो वो आजकल जो गूगल ने नई पॉलिसी जो है गूगल की, जो गूगल चीज़ लेके आ रहा है, तो गूगल ये कहता है कि हमारा जो जो वेबसाइट है अगर .pk की है तो उसको गूगल पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रायोरिटी होगी, उस वेबसाइट को पाकिस्तान के अंदर वो प्रायोरिटी में रख के जो है वो सर्च इंजन पे लेके आएगा, वो कीवर्ड जो होंगे वो उसके वो उसको टॉप पे लाने के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा .pk। अगर आप .us की लेते हैं तो वो USA के अंदर गूगल का जो सर्च इंजन है वो ऑटो, उसके जो उसके रिमोट्स हैं, जो एल्गोरिथम हैं, वो इस तरह के हैं कि वो कोशिश उनकी होगी कि वो USA में उनके टॉप रैंकिंग लेके आए किसी ना किसी तरह से। अगर UK की .uk की लेते हैं तो वो बुनियादी तौर पे UK जो है वो .uk वो यूनाइटेड किंगडम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपको इलम है UK, तो वो UK के लिए। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे ही कैनेडा है, ऐसे मुख्तलिफ कंट्रीज जो है उसके लिए डॉट के आगे उनके कंट्रीज का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ जो क्यूरी मूवी है आपको बेहतर पता चल गया होगा कि ये जो मैं चीज़ बताई है आपको उसका पर्पज़ क्या होता है, लेकिन आप .xyz भी लेंगे अगर, तो अगर आपका आर्टिकल सही है, आपकी कीवर्ड की सिलेक्शन बेहतरीन है, तो यकीन करें आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी अपनी साइट को, अपने कीवर्ड्स को रैंक करने में, ठीक है, शर्ते कि आपका कीवर्ड और आपका आर्टिकल सही हो। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि कंट्री वाइज अगर आपने लेके चलना है तो .com नहीं है, .pk, .us वो मकसद, अगर आपका सेल्स क्रिएट करना है, जनरेट करना है, तो आप उस कंट्री के अंदर रहते हुए उस कंट्री की वेबसाइट डॉट के आगे उस कंट्री का नाम। अगर आपका मकसद है कि आपने ओवरऑल तमाम जो है दुनिया उसको कवर अप करना है, तो आप .com का इस्तेमाल कर लें, .info का इस्तेमाल कर लें, फॉर इंफॉर्मेशन .info में चली जाती है, .net का कर लें, .co का कर लें, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक कंट्री के लिए स्पेसिफिक डोमेन चाहिए होगी। तो जो बेस्ट जो हम लोग आज से पहले कुछ साल पहले जो हम लोग कहते थे वो हम लोग कहते हैं .co हो जाए, .org हो जाए, .info हो जाए, .com हो जाए, दीज आर द बेस्ट। बट आजकल इस टाइम जो गूगल की नई पॉलिसीज हैं, चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा वो सेल आउट हो चुकी हैं, तकरीबन ना होने की रह गई हैं इनमें, तो पिछले साल जो है .xyz एक नई एक्सटेंशन निकाली थी, तो काफ़ी ज़्यादा उस पर भी अवेलेबिलिटी बनी, उस पर भी लोगों ने साइट्स तैयार की, मुख्तलिफ ब्लॉगिंग की साइट्स थी, मुख्तलिफ सेल्स की थी, ठीक है, तो बिजनेस पर्पज़ के लिए जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, अगर अर्निंग है तो .com .pk भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये साइट्स जो .pk वाली हैं, .us वाली, ये कॉस्टली होती हैं, ये जहन में रखिएगा। अगर दूसरी डोमेन आपको मिलेगी 1,000, 1,200, 1,500 की, तो ये आपको मिलेगी तकरीबन 2,500 से 3,000 के राउंड बोर्ड, ठीक है, ये भी मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। .us की शायद इससे महंगी हो, कैनेडा की हो उससे महंगी हो, मुख्तलिफ कंट्रीज़ का मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, UAE की शायद सबसे महंगी है, तो आई थिंक ये आपने जो भी फाइनल करनी है आप कर सकते हो, आपके लिए बेहतरीन है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि .com .pk .uk वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आपको चीज़ों इसी लेक्चर के अंदर बता दूँ,
आपने डोमेन फाइनल कर ली, अब नेक्स्ट है प्रोसेस कि आपने होस्टिंग कौन सी करनी है। तो होस्टिंग में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जैसा बिजनेस है वैसे होस्टिंग लीजिएगा, ठीक है। अब होस्टिंग कौन कौन सी है, शेयर होस्टिंग, डेडिकेटिंग होस्टिंग, और नंबर थ्री पे VPS, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्विस, अपने सर्विस कह रहे हो, सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। ये इन ये तीन किस्म की होस्टिंग है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के अंदर क्या होता है कि एक तीसरी जगह पे, या तीसरी जगह पे आपका एक सर्वर पड़ा होता है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका हो सकता है, यूके का हो सकता है, किसी भी और कंट्री का हो सकता है, वहाँ पे आपको एक मिनी कंप्यूटर दे दिया जाता है जिसको आपने अपने कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल करना होता है, जिसे हम लोग VPS होस्टिंग कहते हैं, ठीक है जी। सो सर्वर भी कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो इन दी अदर उसके अंदर लास्ट फिट वेल है आपको किस पॉकेट बुक आपने चाहिए, आपको क्या डिमांड क्या है आपकी, ठीक है, आपको प्रोसेसर कितना चाहिए, आपको रैम कितनी चाहिए, आपको हार्ड कितनी चाहिए, आपको बैंडविड्थ कितनी चाहिए, ठीक है जी। यही बुनियादी तौर पे चार चीज़ें होती हैं जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के अंदर होती हैं, जो सिस्टम के अंदर चाहिए होती हैं। एक आपका प्रोसेसर कितना है, कितना प्रोसेसर लेंगे, कितनी रैम लेंगे, कितनी हार्ड डिस्क लेंगे, उस लिहाज से इसकी प्राइसिंग होगी, इसका रेट अप एंड डाउन होगा, ठीक है। अगर हाँ, इसी बात को मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोशिश ये करें कि आप न्यूमेरिक नंबर जो है अपनी साइट के अंदर, अपने डोमेन नेम के अंदर आप न्यूमेरिक नंबर ना रखें, क्योंकि वो यूज़र को समझ नहीं आ पाती कि ये 123 या 321 या 14, इनका बेसिकली मकसद क्या है, ये पर्पस क्या है। हाँ, अगर तो आपका कोई आपने अपना बनाना है ब्रांड, आपका ब्रांड है तो फिर और बात है, ठीक है। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छी लगी थम्स डाउन कर दें, सब कुछ करें।